अभी जो आपने दो कहानियां देखी, ये हम में से ही किसी की होगी। कोई अपना बचपन अपना घर चलाने एटलीस्ट मेरी प्रेसिंग ज़्यादा नहीं खुली, आई एम सो थैंकफुल। सो गाइस अभी ना 7 बजने वाले हैं एंड आज है हमारा मैनेजमेंट फेस्ट नेशनल लेवल। एक कल जो था वो सिर्फ पाइटेंस का था, जो हमारे कॉलेज में उनका आज है नेशनल लेवल का। लाइक बहुत सारे लोग आने वाले हैं एंड अभी जस्ट मैं नहीं होती यार, एंड मैंने भी करना परफॉर्म ऑन अ ड्रामा। तो एक सबसे पहले फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ और मैं ना सिर्फ कुर्ती डाल के जाऊँगी घर से, बाकी सब मैं वहीं पर तैयार होंगी क्योंकि हमारा जो है 12:30 शुरू होएगा। तो सुबह से कॉस्ट्यूम में आई कांट मेकअप वगैरह सब वहाँ करूँगी, ज्वेलरी वगैरह। अभी जस्ट मैं कुर्ती के साथ जींस डाल के जा रही हूँ। सो गाइस मैंने जस्ट कुर्ती पा लिया और आज ना हमारी टाइमिंग भी जल्दी है बिकॉज वैसे भी सैटरडे को बसेस नहीं जाती तो इसलिए। तो मैंने मामा को बोला था कि आप मत उठना, क्योंकि उठ के स्पेशल मामा को चाय वगैरह बनानी पड़ती है हमारे लिए खाना, और हमने लेके नहीं जाना। तो फिर अब मैं नीचे जाके ना खुद दूध चाय जो बनाना बना लेती हूँ, भाई का भी अपना भी, और अपना बैग पैक करती हूँ जो कि जैसे ये मेकअप वगैरह का सामान रखना है और भी कुछ चीज़ें जो रखनी है। भाई हम कॉलेज पहुंच गए, ये ले क्रिश तू बोलता ना मुझे व्लॉग में लेती आजा। सो गाइस वी रीच कॉलेज और अब भी हमने जाना है रजिस्ट्रेशन कराने। आज मैं ट्राइपॉड तो निकाल आई, मेरा बैग में जगह ही नहीं है, कपड़े कपड़े भरे पड़े हैं। गाइस हम कर रहे हैं रिहर्सल्स और आधे बच्चे कॉस्ट्यूम्स में हैं, आधे नहीं है। आयुषी जी और शारदा जी तैयार होकर आए हैं, ये भी मैम तैयार नहीं है, करण भी तैयार है, बाकी सब अभी होंगे। गाइस हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और क्या हो रहा है ये कौन, ये क्या हो रहा था, चांद पे भी नाचे हम। सुजल तूने शर्ट अभी डालनी है? यस मैम, एंड में बदलेगा यार ये लड़का। और कह रहे मेरी ब्रशिंग अभी भी नहीं है, देखिए और कितने बाल कराऊं मैं, मेरी स्मूथनिंग थोड़ी ना होगी भाई। कॉल कर लेता बार सबको। हाय ऋषभ बेचारा जो बस में आया है, रोडवेज में आता हूं, रोज किस में आता हूं, छोटा बुगी बेचते हुए चाय गरम चाय गरम चाय गरम बोल ले चाय गरम चाय। ये देखो चाय गरम वाली आ गई है गाइस, 10 के 4 कप देती है, 10 का 1 10 का 1 बस नहीं। आगे देख के उसमें ना गिर जाना, वैसे ही आप कचरे से आए हो वो फक भाई कैसे मारते हैं जलील कर रहे लोग। हमें बुलाया है जो ऑडियंस यहाँ पर डांस करने। गाइस शी इज अ सेवर क्योंकि हमारा एक इंसान जा चुका है छोड़कर हमें, उसे रिप्लेस करके, हाँ उसे रिप्लेस करके हमने इसे लिया है। और ऑब्वियसली एंड टाइम पे कल रात को मुंह देखे से बनाया उसने। गाइस ये देखो ये हमारे पे अत्याचार भी करती है ये टीचर है 90s की, ये 90s की टीचर है, लट लेके आ जाती किसी और 20s के बच्चे में दौरे पा रही As we all know that, we all are on a grand journey of our management fest, Advaita 2.0. मम्मी वाली लुक, एकदम मम्मी लग रही हूँ। हाँ ये है 90s की टीचर, ये 90s का बच्चा, वो 20s का बच्चा। पीछे हमारे हैं टॉयलेट्स। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। गाइस हम आए रिफ्रेशमेंट लेने और शीज आसमा। बाकी सबको आप जानते हो रिफ्रेशमेंट में ये हमें देने वाले हैं समोसे और कुछ नहीं, समोसे कबीर सिंह सस्ता कबीर बहुत मस्त। बैक स्टेज आ चुके हैं और इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस है, बस जा रहे हैं। A few moments later. गाइस हमें बहुत मजा आ गया, हमारी स्क्रिप्ट हर बंदा बोल रहा है बहुत अच्छी थी, मेरी मेहनत सफल हुई, अब बाकी सब लोगों की हो रही है। आया है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सबने कुछ ना कुछ पाया है। बीहू, हैप्पी बर्थडे बीहू,
Guys, and that it's is final. Felicitations, it's ceremony. Announcement now of I would the like winners. To invite our head of department, Dr. Rohit Garg sir. Our guys, program head, Dr. Konjitela. Let's invite the personalities who made this event possible. Welcome our conveners, Dr. Rohit Garg, Head Department of Business Studies, Dr. Anju, Ms. Ashima, and Mr. Paras with huge round of applause. गाइस हम सेकंड आए हैं अभी प्राइज लेने जाएंगे हमें पहले पता लग चुका है युवा शक्ति अच्छा था एक और टीम थी उनका बहुत अच्छा था मैं थोड़ी सी क्लिप उसकी डालूंगी उन्होंने बाहर फूलों की हम बिखरते पत्ते हैं तुम बाहर फूलों की हम बिखरते पत्ते हैं कैश प्राइज आ गया हमारे पास एंड इंडिया भाई की स्पीच नाउ आई वुड लाइक टू थैंक माय टीम द टीम ल्यूमिनरीज द होल टीम द डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर्स प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज द डेकोरेशन कोऑर्डिनेटर्स माय टीम माय ऑर्गेनाइजिंग टीम दे आर बैकस्टेज आई गेस एवरी एमंडा फर लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्म सेशन सबू सबू इज वर्थ इट सीरियसली वी हैड लेट नाइट सेशन समथिंग आदित्य वाज अबाउट टू गेट पोस्टपोन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर देयर वर सम consequences and some kind of guys second prize वैसे हमें कोई दुख जरा सा मिला है ओले आज मेरे को पता है एक चीज गाइस वी ऑल गॉट ट्रॉफीज एंड कैश प्राइज का कैश प्राइज देखो अरे आई थी अंधेरे में वही तो थी ओके ओके गोटी अरे वो मुझे बोल रही मैं आपको देख रही थी आप हमारे टीम लीडर सब ज्यादा हेल्प इन्होंने करी है सब कुछ भेजा था और आज हम जीत के आए हैं मैंने आदित्य से पास्ता मंगाया था भरा हुआ इतना भारी टिफिन है गाइस ये देखो इस लड़के ने मेरा चश्मा तोड़ दिया है ऐसे हुआ पड़ा है बेस्टर्म बताया भी नहीं क्यों नहीं बताया मेरे को तो नहीं पता तो मतलब लास्ट में खाने के लिए रखा था ना एज अ ट्रीट ओके इतना शरीफ बना भाई मम्मी आ गए थे हां मैंने अपने फैंस को बता दिया एंड दे आर नॉट माय फैंस दे आर माय फैमिली अब मेरे फैंस मेरा एक नामकरण किया बताइयो छोटी उसने अपने फोन में भी छोटी के नाम से सेव कर रखा है चिमटी है वो कहा है ऋषभ कोई मेनू बुलांदा छुटकू कोई छोटी चिमटी बिल्ली की इमोजी भी आगे सो गाइस हम घर आ चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी इवन हमारी सेकंड पोजीशन आई है उसके बावजूद भी बिकॉज ना मुझे फर्स्ट ट्रॉफी मिली है कॉलेज की और वो भी एक्टिंग में सबसे मतलब और मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कि आप बहुत अच्छी लग रहे थे आज यू वर लुकिंग सो एलिगेंट और बहुत अच्छी एक्टिंग करी एंड यू सो गॉर्जियस मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज द लीडर लाइक मैंने स्क्रिप्ट में इतनी जान डाली थी गानों में इतनी जान डाली थी एंड मानवी ने कोरियोग्राफी की थी लाइक और पता है कल रात को बिल्कुल एंड में ना लाइक वैष्णवी ने वो स्किप आउट कर दिया था बिकॉज उसे फीवर हो रहा था देन हमने एक लड़की को लिया आसमा को एंड आज सुबह सुबह उसकी प्रिपरेशन कराई एंड शी वॉज डैम गुड लाइक मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी आज सुबह प्रिपरेशन कराई मैंने बट आई एम सो हैप्पी गाइस कि हम कुछ आए एंड वो भी एक्टिंग में और अभी मैं सब फोटोज वगैरह देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा हेडेक भी शुरू हो गया बिकॉज सुबह से लेकर आज बसेस भी लेट आई हैं और गाइस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं आप लोग बताना मेरे पे स्ट्रेट वाले अच्छे लगते हैं नहीं ना मतलब जैसे मेरे हैं वैसे अच्छे लगते हैं ना पर अभी तो ये भी अच्छे लग रहे हैं वेल अभी आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड बाय बाय एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्या है ये
ना तुमसे पढ़ाई ठीक से हो रही है, ना तुम्हारा बिजनेस में इंटरेस्ट है, तुम करोगे क्या जिंदगी में? यू आर जस्ट अ फेलियर। फेलियर नहीं होती मुझसे पढ़ाई, पर कोशिश तो करता हूँ ना पापा। मेरे पापा नहीं है और मैं और मेरी मम्मी सारा दिन काम करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। बचपन नहीं होता, गुम हो जाता है। अभी जो आपने दो कहानियां देखी, ये हम में से ही किसी की होगी। कोई अपना बचपन अपना घर चलाने में खो रहा है, तो कोई अपना बचपन घर वालों को खुश करने में खो रहा है। येलो चाय कहाँ खो गए? नहीं, जरूरत थी, कितना सुकून था, अब सब बदल चुका है। पर हम चाह कर भी उस दुनिया में वापस नहीं जा सकते। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन्स वीडियो गेम्स से बाहर ही नहीं निकलते कि वो पेरेंट्स को भी टाइम दे सके। हम बस ये बोल सकते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे। सुप्रभात अध्यापिका। सुप्रभात बच्चों, बैठो, हाजिरी लगाओ। शारदा। हाँ जी टीचर। सहज। हाँ जी टीचर। सुजल। हाँ जी। आज क्या कराओगे अध्यापिका? आज हम एबीसीडी पढ़ेंगे। ये कोई टाइम है तुम्हारे आने का? यही टाइम है मैम आने का। ये नहीं है तुम्हारा टाइम, इधर आओ आदित। यस मैम। तुम्हारी इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म है, कांट माय टाई। मम्मी घर में पहन रखी है टाई, तो मैं कबूतर ले गया। कबूतर लेके इधर आओ। यस मैम। अपनी मम्मी का नंबर दो। मम्मी का क्या करोगे, पापा का ले लो। दो नंबर अपनी मम्मी का लिखो मैम। स्कूल में फोन कौन लेके आता है? मैं लेके आता हूँ। मैं तो चीट पेपर से मैम से लेके जाना है फोन। मम्मी ने दे देना। चलो नेक्स्ट वीक से तुम्हारी एग्जाम है, कोई भी फेल हुआ मेरी क्लास में नहीं जुटनी है। ओके मैम। चलो स्टार्ट। सबको सस्पेंड कर दूंगी मैं, देख लेना कोई मेरी क्लास में नहीं आएगा। ओके मैम। प्रेशर कुकर जैसे सर की बचाए ना सीटी, दम तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले दे धार यार, रट्टा मार। जब से काम नहीं हो सकता, तेरी अब इस महीने की सैलरी काट दूंगी।
बचपन जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते थे, क्या उसे हम खुद ही खो रहे हैं? मोबाइल फोन हमारी जरूरत है, तो ये क्यों हमारी आदत बनता जा रहा है? वो बचपन के चांद सितारे क्यों आज पिज्जा बर्गर से रिप्लेस हो गए? वो मम्मी की डांट जिसे दो दिन तक नाराज रहना, वो कब वो प्यार कंपेयर करने लगा पता ही नहीं चला। जब हम सोचते थे बड़े होंगे तो ये करेंगे, बड़े होंगे तो वो करेंगे, क्या सच में हम वो कर पा रहे हैं? बचपन आज भी हमारे हाथों में है, पर बस हम उन्हें जीना भूल गए हैं। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, कुर्ती पतंग हो जैसा था मन, जितने थे रिश्ते सारे थे मन की, ना थी उलझन ना थी जलन। Let's recall our childhood and make it alive once again. समझ